नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संतान पालो मगर उम्मीद नहीं। अरे राजू बेटा, जरा इधर तो आना, पीने के लिए एक गिलास पानी तो ला देना। राजू, ओ राजू। देवकी जी अपने पोते राजू को आवाज लगाती रह गई, लेकिन राजू अपनी दादी माँ की बात को अनसुना करते हुए बाहर खेलने दौड़ गया। देवकी जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई, लेकिन दोनों बहुओं में से किसी एक ने भी आना जरूरी नहीं समझा। देवकी जी के पति का देहांत हुए 7 महीने हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद अब वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। देवकी जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी अच्छे खानदान में करके वो उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी हैं। दोनों बेटे भी शादीशुदा हैं। बड़े बेटे राजेश की पत्नी रजनी और छोटे बेटे अमन की पत्नी अमृता है। दोनों का एक एक बेटा है। राजेश का बेटा राजू 10 वर्ष का है, जबकि अमन का बेटा सोनू 9 वर्ष का है। दोनों में 1 वर्ष का फर्क था, परंतु दोनों का जन्मदिन एक ही दिन को आता था। घर में सभी लोग अपना ख्याल स्वयं रख सकते थे, लेकिन यदि घर में किसी को सहारे की आवश्यकता थी तो वो थी देवकी जी, जिनकी ढलती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। अपने घर के आंगन में चारपाई पर देवकी जी अकेली बैठी हुई थी और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। बैठे बैठे सोच रही थी कि ये तो कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही पुरानी पीढ़ी कमजोर और लाचार होती जाती है। परंतु नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाएगी कि न तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और न ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब 7 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब दोनों बेटे और बहुएं उनकी खूब सेवा कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे जब दोनों बेटों ने आकर कहा, माँ, हमारा इन 2 कमरों में कैसे गुजारा हो पाएगा? अब बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें भी पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। पिताजी तो कुछ किए बगैर ही स्वर्ग सिधार गए। अब आप ही कुछ कीजिए। बेटे की यह बातें सुनकर देवकी जी कुछ हैरान रह गई और पूछने लगी, लेकिन बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मकान पर खर्च कर सकूं। तभी उनका छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी ने सारी जमीन जायदाद आपके ही नाम पर कर दी थी। आपकी जो गांव वाली जमीन रखी है, उसकी तो आप ही मालिक हैं। माँ, आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच दीजिए। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उससे हम ऊपर की 2 मंजिलें बनवा लेंगे। फिर बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप ही सोचिए, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह की कितनी कमी हो चुकी है। और फिर कभी कभार बच्चों के दोस्त भी आ जाते हैं, या कभी उन दोनों का जन्मदिन मनाना होता है तो जगह न होने के कारण उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। बेटों के इतने आग्रह करने पर देवकी जी सोच में पड़ गई। फिर सोचने लगी कि आज हो या कल, आखिर ये सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे आया पैसा बेटों को दे दिया और कहा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो। दोनों बेटों ने ऊपर 2 मंजिलें और बनवा ली। फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन उनका बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, माँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर आपको जमीन जायदाद का क्या काम है? अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहुओं से अपनी सेवा करवाओ। शान से बैठकर हुकुम चलाना अपनी बहुओं पर। फिर देवकी जी बोली, बेटा तू ये सब क्या कह रहा है? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तभी उनका छोटा बेटा अमन राजू और सोनू का हाथ पकड़कर ले आया और बोला, माँ, कल इन दोनों का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसा तोहफा दीजिए जो कभी किसी ने ना दिया हो। तब देवकी जी बोली, हाँ बेटा, मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा राजेश बोला, माँ जी, केवल आप ही हैं जो इन्हें अनमोल तोहफा दे सकती हैं।
ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आगे कुछ कागज रख दिए और बोला, माँ आपको और कुछ नहीं करना, बस इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा, इस पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दस्तखत करने से पहले कागजों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन ये बात तो पराए लोगों के साथ लागू होती है, यहाँ मुझसे कौन धोखा करेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कागजों पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए, उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए कि ये कागज किस चीज के हैं। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ इस पर ये लिखा है कि आप अपने गांव वाली सारी जमीन हमारे नाम पर कर रहे हैं। ये सुनकर देवकी जी को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागजों पर दस्तखत करवा लिए। पर फिर सोचने लगी कि बेटा सही तो कह रहा था कि मैं इस उम्र में जमीन जायदाद का क्या करूंगी, अगर यह मैंने उन्हें दे भी दी तो क्या हो गया, अब आराम से रहूंगी, दोनों बहुओं और बेटों से खूब सेवा करवाऊंगी। उसी दिन सुबह सुबह देवकी जी पार्क में टहलने के लिए चली गई। थोड़ी देर सैर करने के बाद वे अपनी सहेली रंजना जी के साथ गपशप करती रही और जब घर वापस लौटी तो देखा घर पर कोई नहीं था, रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल को वो घबरा गई और बच्चों को आवाज देने लगी तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ मांझी, इतना क्यों चिल्ला रही हो, हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर। ठीक है बहू, काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर ही आ जाती हूँ। जैसे ही देवकी जी ऊपर पहुँची और पहला कदम रखा तो बहू जोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता, सारा घर गंदा कर दिया, अभी अभी मैंने पोंछा लगाया था, सूख तो जाने दिया होता। अपनी बहू रजनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवकी जी का कलेजा मुंह को आ गया और हड़बड़ाते हुए बोली, बहू वो मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती तो। फिर बहू का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखते हुए बोली, मैं ऊपर आकर फर्श गंदा नहीं करूंगी तो मेरे लिए खाना नीचे ही पहुंचा देना। तभी रजनी बोली, देखिए माँ जी अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, खाने को ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो दे देगी। अरे बहू पहले ही इतनी सीढ़ियां चढ़कर मेरा सांस फूल गया है, तुम्हें कुछ दे देती, मां जी अभी मुझे बहुत काम है, एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है, इतना कहकर वह चली गई। देवकी जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू अमृता के पास पहुंची। देखा तो वो भी घर के काम में व्यस्त थी, उन्होंने उसे आवाज दी और खाना मांगा तो अमृता ने कहा, मां जी अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई, रात की रोटियां पड़ी हैं, आप वही खा लीजिए। देवकी जी रात की बासी रोटियां लेकर उदास भाव से नीचे आ गई, परंतु वे समझने में असमर्थ थी कि उनके आगे पीछे सारा दिन मां जी कहकर उनकी सेवा करने वाली बहुएं आज इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हैं। उसी समय उनकी बेटी राधिका का फोन आया, माँ कैसी हैं आप, खाना तो समय पर खाती है ना। तो देवकी जी बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे दोनों भाइयों और भाभियों ने तो मुझे सर आँखों पर बिठा रखा है, तू मेरी चिंता मत किया कर, तेरी भाभी गर्म गर्म खाना परोस कर गई है, अभी मैं खाना खा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए देवकी जी की आंखें भर आई और गला रुंध गया। वो अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत फोन काट दिया। बेमन से वही बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज वो अपने दोनों बेटे राजेश और अमन से इस विषय में बात करेंगी। दोपहर बीतने को थी और देवकी जी अभी तक दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी। जब कोई नहीं आया तो थक कर उन्होंने आवाज लगाई, बहू मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दो, परंतु किसी का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज लगाई, चार पांच बार आवाज लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वो फिर से ऊपर गई तो
बड़ी बहू रजनी ने नाक भान सिकोड़ते हुए दो रोटी और सब्जी एक डिस्पोजेबल प्लेट में डालकर ऐसे रख दी जैसे किसी भिखारी को खाना दिया हो। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर देवकी जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। सोचने लगी कि आखिर आज दोनों बहुओं को मेरी दो रोटियां भी भारी क्यों लग रही हैं? आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया? अभी इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि उनकी नज़र बाहर से आते हुए अपने छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे पीछे ही बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, देवकी जी ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, माँ जी, जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। बड़े बेटे ने भी कहा, माँ आपको तो कोई काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं तो आप आते ही। इतना कहते कहते वो दोनों चले गए। देवकी जी अपना सा मुंह लेकर वहीं बैठी रह गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर देखा तो उनका बेटा राजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू रजनी ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी माँ आई है। देवकी जी यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, ये क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तभी राजेश बोला, क्या माँ, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? फिर देवकी जी बोली, बेटा बात क्या है, कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या माँ आप भी सुबह सुबह फालतू ड्रामा करने लगी? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में जरा भी देर नहीं लगाती। तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाइए यहाँ से, नाश्ता करने दीजिए इन्हें। देवकी जी जस के तस खड़ी रह गई। बहू की तेज आवाज सुनकर उनके हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हो। देवकी जी बेइज्जत होकर बड़ी बहू के कमरे से बाहर निकल आई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके ऊपर छोटे बेटे के पास चली गई। दरवाजा खुला था। उन्होंने आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया, तो वो अंदर जाकर बैठ गई। उनके बेटे अमन ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से दो रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी देवकी जी ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था, इतने में छोटी बहू कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी, आप यहाँ कैसे? अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आई। यहाँ कैसे? मतलब अब रजनी बहू ने भी मुझे कह दिया है कि यहाँ मत आया करो, और अब तुम भी ऐसी बात करोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अपनी माँ की यह बात सुनकर अमन ने उन्हें कहा, माँ आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात कर लेना। अमन को अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आते देख छोटी बहू अमृता उसे गुस्से से देखने लगी, परंतु उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे राजेश से दवाइयाँ लाने को कहा तो बड़ी बहू रजनी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्चे तो पूरे नहीं होते, तो आपके खर्चे कैसे उठाएं? बात केवल दो रोटी की होती तो चलता था, आपके खर्चे कम नहीं हैं। कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च, ना बाबा, हमसे तो ये सब खर्च नहीं उठाया जाएगा। अब देवकी जी ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहाँ से ही खाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन जब देवकी जी खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रही थी, तभी उन्हें छोटी बहू अमृता की आवाज आई। वो अपने पति से झगड़ रही थी। कुछ सीखो बड़े भैया और बड़ी भाभी से, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और हमारे माथे मर दिया। आपकी माँ को हमारे खर्च पहले ही कुछ कम है क्या? तभी अमन बोला, तुम्हारी बात ठीक है अमृता, जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो फिर माँ का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? मैं बड़े भैया से बात करके उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। बेचारी देवकी जी यह सुनकर तो जड़वत ही रह गई और वहीं से वापस नीचे आ गई। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
आज उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वो अकेली ठुकराई हुई सी आंगन की चारपाई पर बैठी रहीं। सभी का आंगन में से आना जाना चलता रहता, परंतु किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपनी बूढ़ी माँ के पास दो पल के लिए बैठ ही जाएं। जब बेटों और बहुओं ने ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर वह अपने पोतों से भी क्या उम्मीद करती? आखिर वह भी तो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी देवकी जी अकेलेपन और भूखमरी की मार झेल रही थी। आज बगैर कुछ खाए पिए वो टहलने के लिए निकल गई तो उनकी सहेली रंजना ने महसूस किया कि वे बहुत गुमसुम सी हैं। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वो खुद ही बता देंगी, परंतु जब देवकी जी ने कुछ नहीं बताया तो रंजना ने ही उनकी परेशानी का कारण पूछा। तभी देवकी जी आंसुओं से भरी आंखें लिए बोली, क्या बताऊं रंजना, जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सिर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक दो बेटे पैदा हुए, तब तो मैं फूली ना समाती थी और उनके पिताजी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले कर्मों का फल है, हमने मोती दान किए होंगे जो इस जन्म में ये कृपा बरस रही है, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने तो गंगा नहा ली हो। बेटों के साथ मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैंने तो पूरी उम्र इसी खुशफहमी में बिता दी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं वो हमें बुढ़ापे में सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने में लगा दी, यहाँ तक कि अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दिया। अब पति का साथ भी छूट गया है और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है, और दो बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब तो उनसे दो वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती। अपनी दोस्त को सारी बातें बताते हुए उनकी आँखों से आंसू बह निकले, उनका गला रुंध गया। रंजना जी ने उन्हें पानी पिलाया और सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। फिर देवकी जी बोली, पता नहीं रंजना, इस उम्र में अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण नहीं निकले हैं। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठ गई। रंजना जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और बोली, देखो देवकी, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगी तो इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या करेंगे, लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाती हो और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हो तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकती हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर देवकी जी कुछ सोच में पड़ गई। अब तुम मेरे साथ चलो। रंजना जी देवकी जी को अपने साथ एक ठेले पर लेकर गई, जहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया। फिर देवकी जी घर लौट आई। कुछ देर देवकी जी कुछ सोच विचार में पड़ी रही। शाम हो चुकी थी, परंतु देवकी जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ था। फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे लेकर पास की किराने की दुकान पर चली गई और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आई। शाम के समय उनकी बेटी राधिका अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची, तो देवकी जी उस समय ब्रेड खा रही थी। अपनी बेटी राधिका को देखते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट छिपा दिया और बोली, अरे बिटिया तू कब आई, तूने तो आने के बारे में बताया भी नहीं। माँ, जब मैंने आपसे फोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बिटिया, मैंने तुझे कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तो बिना सिर पैर की ही चिंता कर रही है, देवकी जी ने नजरें चुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से आती हुई रंजना जी की आवाज़ आई, क्या खाक ठीक है देवकी। राधिका बेटी, अच्छा किया कि तू आ गई। मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ कैसे एक दिन काट रही है। रंजना जी ने सारा वृतांत राधिका को सुनाया।
सारी बात सुनकर राधिका हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। देवकी जी का दामाद जो ये सारी बातें सुन रहा था कहने लगा, मांझी मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वकील है। आप एक काम कीजिए, अपने प्रॉपर्टी के कागज उठाइए और हमारे साथ चलिए। देवकी जी के मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गई और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज देखे और कहने लगा, अरे वाह, ये हुई ना बात। ये बताइए, ये कागज किस प्रॉपर्टी के हैं? तभी देवकी जी ने कहा कि यह हमारे मकान और जमीन के कागज हैं। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटों और बहुओं को अच्छा नाच नचा सकती हैं। फिर वकील के कहने पर देवकी जी ने कागजी कार्यवाही शुरू की। उसके कुछ समय के बाद देवकी जी घर लौट आई। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। उनके पास आकर बोले, माँ, अब हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्धाश्रम में करवा दिया है। ये बात सुनकर देवकी जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए माँ, वहाँ आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अभी यह बात चल ही रही थी कि राधिका और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहाँ देखकर दोनों बेटों और बहुओं की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बेटा बोला, ये सब क्या तमाशा है, तुम लोग यहाँ वकील के साथ? फिर बड़े बेटे ने कहा, अच्छा, अब समझ में आया कि माँ की संपत्ति में तुझे और जीजा जी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए वकील को लेकर आ गई हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। ये बात सुनकर राधिका और उसके पति को बहुत गुस्सा आया। तभी राधिका बोली, मुझे माँ की संपत्ति में से एक रुपया भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताएं। अरे, मैं तो माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने ही यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वो बाबूजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती हैं। फिर देवकी जी ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, अपनी बेटी से ज्यादा मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटों को प्यार किया, ये सोचकर कि बेटियां तो पराई होती हैं, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं, लेकिन आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने तो मेरे पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा पैसा और जमीन तुम सबको चाहिए थी, पर बूढ़ी माँ, उसका क्या? यह मत भूलो कि ये घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने यह मकान हमारे नाम पर कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने मरने से पहले ये घर और जमीन अपनी पत्नी देवकी जी के नाम पर कर दिया था और साथ में ये भी लिखवाया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही रहेंगी। शायद आप लोगों के पिताजी को ये बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी माँ के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की जो तिथि आपने बताई है उससे ठीक एक हफ्ता पहले ही वसीयत बदलवा दी गई थी। आज की तारीख में ये घर और आपके पिताजी की गाँव की जमीन देवकी जी की है, वो जैसा चाहें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। ये सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी। वे कभी वकील को देखते तो कभी अपनी माँ को। इस घटना के बाद देवकी जी, जो आज तक सब कुछ सहन करती आई थी, चुपचाप रहने वाली एक सीधी साधी महिला नहीं रही। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटों बहुओं को फरमान सुना दिया कि
वे जल्द से जल्द मकान को खाली कर दें। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा राजेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी समय उनका छोटा बेटा अमन बोला, माँ मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानती ही हैं, मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर देवकी जी बोली, मुझे दुकारने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा कि इस उम्र में माँ कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती, इसलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। अब देवकी जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की जमीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा। अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान की बीच वाली मंजिल किराए पर चढ़ा दी और सबसे नीचे वे स्वयं रहने लगी। राधिका ने उनके लिए खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक मेड भी लगवा दी। अब देवकी जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा था। अपनी सासू माँ का ये बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थी। हैरान तो दोनों बेटे भी थे और दिल के किसी कोने में उन्हें एहसास हो चुका था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।